आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में नहीं थे। आज हम डिटेल में इन क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने एक्टिविटी 1.1 की थी जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से वो एक्टिविटी देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, जो मैग्नीशियम रिबन था उसको बर्न किया था एयर में, तो पहले हमने उसे सैंड पेपर से क्लीन किया था। ऐसा क्यों करते हैं, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। जब उसको एनवायरनमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेती है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस मैग्नीशियम मेटल पर डिपॉजिट हो जाती है। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये मैग्नीशियम को बर्न होने से प्रिवेंट करती है, मीन्स बर्न नहीं होने देती। तो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलिंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर। जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये लेयर है ये मैग्नीशियम पर डिपॉजिट हो जाती है और ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न ईजिली नहीं हो पाता। सो वी हैव टू क्लीन दिस मैग्नीशियम रिबन बाय सैंड पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले पार्ट में हमने इतना ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी नहीं किया था। अब हम ये क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये फर्स्ट है, इसकी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। चलिए लिखते हैं, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करना सीखेंगे। हाइड्रोजन जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2। क्लोरीन का क्या है, Cl2। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का है, HCl। और देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम इनको बॉक्सेज में बंद कर ले। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो ये कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको बॉक्सेज में बंद कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, H और इधर Cl। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और क्लोरीन के भी 2 हैं। इधर हाइड्रोजन के का 1 है और क्लोरीन का 1 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हमें इनको बॉक्सेज में बंद करके इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट में H को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए और हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब ये इस तरफ बैलेंस हो गई है, देखिए हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 2, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट में क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये है 2। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बॉक्सेज में बंद कर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं, बेरियम क्लोरीन और इधर एल्युमिनियम और सल्फर ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स कितने हैं, बेरियम के इधर 1 है, क्लोरीन के 2 हैं, एल्युमिनियम के भी 2 हैं, सल्फर के 3 हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर है 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन के 4 × 3 ये हो गए 12। प्रोडक्ट्स में देखते हैं, बेरियम का 1 है, सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं, एल्युमिनियम के 1 है, क्लोरीन के 3 हैं। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है कि जो कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसको हम सबसे पहले
चूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये देखिए, इसमें इस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, देखिए 12 है इधर, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब थर्ड स्टेप ये है, हम इसको लिख लेते हैं, ये बॉक्सेज में बंद करने हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते बॉक्सेज के अंदर। अब हम देखते हैं ये ऑक्सीजन के 12 हैं, तो प्रोडक्ट में भी हमें 12 बनाने होंगे, तो हम प्रोडक्ट को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 12 आ जाता है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको ऑक्सीजन को, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। बेरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 3 कर देते हैं, ये आ गया 3। सल्फर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 3, ये हो गया 3, और ऑक्सीजन की 12। देखिए ऑक्सीजन के अब बैलेंस हो गए, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पे सल्फर के भी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बैलेंस हो गए। बेरियम के लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में 3 हो गए हैं और रिएक्टेंट्स में ओनली 1 है। अब रिएक्टेंट्स में ओनली 1 है, तो रिएक्टेंट को हम बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर भी हम लिख देंगे, अब ये हो गया 3। लेकिन अब जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो क्लोरीन है इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ आ गया हमारा 3, ये हो गया 6। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो गया है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ रिएक्टेंट्स में 6 हो गए और प्रोडक्ट में ओनली 3 है, तो 6 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब हम देखते हैं, हमने इसको बैलेंस कर दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एल्यूमिनियम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, ये आ गया 2। अब देखते हैं एल्यूमिनियम है, इस रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये हमने पहले बैलेंस कर दी थी। हम देखेंगे कि सारे जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो गए हैं, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, तो इस तरह से हम किसी भी जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, और इसको ऐसे लिख देंगे हम। ये देखिए हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन थी ये हमारी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद जो ये है, देखिए ये हमने फाइनल लिखा है तो ये बैलेंस होगी, लेकिन इसमें अगर ये हम पूरी तरह से बैलेंस नहीं करते तो इक्वेशन होती पार्शली बैलेंस्ड। अब हमने पूरी तरह से बैलेंस करके ये लिख दी है, तो ये होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से आप सभी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, इनको बॉक्सेज में बंद कर दें। अब सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के एटम्स लिखना और प्रोडक्ट्स के लिखना। इसके एलिमेंट ये हैं, रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स के एटम है, सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। प्रोडक्ट्स में सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का इधर 1 और प्लस 2। ये हमें इकट्ठे नहीं लिखने, अलग अलग लिखने हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है, पहले हम इनको इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, बॉक्सेज में इनको बंद कर लेते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि हम उस कंपाउंड को या एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करेंगे जिसमें एटम सबसे ज़्यादा हैं। अब हमने देखा यहाँ पर सोडियम के पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन के भी बैलेंस है, हाइड्रोजन के बैलेंस नहीं है। तो ये देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 है और इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएंगे, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये वाला लिया था,
इस वाले हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये हमारी पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। अब हम देखते हैं, ये देखिए सोडियम के बैलेंस हैं और हाइड्रोजन के यहाँ से हो गए 4, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को इससे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऑक्सीजन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 2 हो गए। अब इधर हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई इसको हाइड्रोजन को किया था, तो हमने सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास सोडियम के हो गए 2 और इधर ऑक्सीजन के हो गए 2, और ये हमारे हाइड्रोजन बैलेंस है अब, लेकिन जो हमारा सोडियम है ये बैलेंस नहीं है। सोडियम के यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। अभी हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लिख देंगे हम ऐसे। अब हम चेक करेंगे 2Na, देखिए ये बैलेंस हो गए, ये बैलेंस हो गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। सोडियम के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर सोडियम के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, देखिए ये 2 और ये 2 4 और ये ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही हम और इक्वेशंस को ईजीली बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रखी है, तो यहाँ पर जो S है, L है, AQ, G, ये क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं, जैसे सोडियम सॉलिड है तो S लिख दिया है, H2O लिक्विड है तो L लिख दिया है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिख दिया है, और हाइड्रोजन गैस है तो G लिख दिया है। ऐसे ही इनमें भी बेरियम क्लोराइड सॉलिड है S लिख दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉलिड है तो S लिख दिया है, बेरियम सल्फेट सॉलिड है तो यहाँ ब्रैकेट में S लिख दिया है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड है तो यहाँ पे भी S लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स 4, कि विद स्टेट सिंबल्स, जो इसके सिंबल्स हैं स्टेट्स के वो भी हमें लिखने फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए इनकी पहले हम केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं इनके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के, फिर हम केमिकल रिएक्शन बना लेते हैं और फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो ये है, ये इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग का, कि इनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बॉक्सेज में बंद कर दें। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं, ये लिख लेंगे हम। एलिमेंट है बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम का यहाँ पर 1 एटम है, क्लोरीन के 2 हैं, सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। इधर बेरियम का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, ये देखिए सल्फर का यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सल्फर का, ऑक्सीजन के 4 हैं, सोडियम का इधर 1 है और क्लोरीन का इधर 1 है। अब हम इसको लिख लेते हैं, इनको हम बॉक्सेज में ज़रूर बंद करते हैं, क्योंकि हमें अंदर का जो फॉर्मूला है बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ कोफिशियंट लगाने हैं इसके आगे हमें। अब देखते हैं, इसमें बेरियम बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब हमारा बचा सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन में देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं और इस तरफ 1 है, अब इसको मान लो हम 2 बनाते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 लिखा है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और इधर सोडियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये क्लोरीन तो बैलेंस हो गया है, सोडियम के इधर 2 हैं, इधर भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी तरह से हम और इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने ये बैलेंस कर ली हैं इक्वेशंस, लेकिन इसमें देखिए ये लिख रखा है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ए क्यू लिख दिया है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर भी ए क्यू लिख दिया। ये इसकी स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स। अब यहाँ पे ये लिखा है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल है, इट मीन्स ये सॉलिड है, तो ये एस लिख दिया ब्रैकेट में। ये है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये ए क्यू लिख दिया है। तो ये इसकी जो स्टेट्स हैं उनके सिंबल्स हैं, ये लिख दिए हैं। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो ये ए क्यू लिख दिया है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, तो ये एच सी एल ए क्यू लिख दिया है यहाँ पर भी, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और ये वाटर है, तो यहाँ लिक्विड एल लिख दिया है। तो यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।